कोरोना महामारी से जहां हर वर्ग आर्थिक तंगी से जूझ रहा है, तो वहीं रेहड़ी पटरी वालों को इस कोरोना महामारी में रोजी रोटी का संकट सताने लगा है। उन्हें 2 जून की रोटी जुटाने में कड़ी मशक्कत और पुलिस की लाठियां खानी पड़ रही है, क्योंकि जिला प्रशासन ने फल, सब्जियों और किराना के थोक विक्रेताओं के लिए तो समय सीमा और जगह निर्धारित की हुई है, लेकिन रेहड़ी पटरी वालों के लिए ना कोई जगह है ना कोई समय सीमा, जिसके चलते उन्हें पुलिस द्वारा लाठियां खाकर 2 जून की रोटी जुटानी पड़ रही है। परेशानी हो रहा है, प्रशासन इधर भागा दौड़ी करके भगा देते हैं और परेशान गरीब आदमी क्या कमाए खाएंगे। ये प्रदेश आए हैं बिहार छोड़ के, घर द्वार छोड़ के, बच्चे को छोड़ के यहाँ पर हैं और परेशानी हुई है। क्या कोई आपका समय सीमा निर्धारित की गई है मंडी पर? कोई यहाँ कोई समय सीमा नहीं है और थोक विक्रेता के लिए है समय निर्धारित 11 बजे तक, हमारे लिए कोई परेशानी नहीं। यही कमाने खाने में दिक्कतें हैं, कोरोना के लॉकडाउन चलते हुए पुलिस भगाती है, मारती है, कांटे वटे उठा के ले जा रहे हैं। पुलिस किस प्रकार परेशान कर रही है आप? अब सब्जी तो रोड पे बिकती है, कोई अंदर तो बिकती नहीं है, रोड पे खड़े होते हैं, ये मारते हैं भगाते हैं। कितना कमाते हैं दिन में? कमाई कहाँ है जी, लॉकडाउन में 2 घंटे 3 घंटे दुकान लगती है। कैसे गुजर बसर चल रहा है परिवार? बहुत बुरी तरह, अगर गुजर बसर बढ़िया होती तो हम। देश दुनिया की खबरों के लिए ANB News को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।